वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल डेली ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बाल झड़ने से रोकने के घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। बालों का असमय झड़ने हेयर लॉस का कारण और उपचार। जिनके बाल काफ़ी मात्रा में झड़ते हैं वे इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। जब भी वे बाल बनाते हैं उनके सिर से काफ़ी बाल झड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने की स्थिति में यह समस्या काफ़ी विकराल हो जाती है। मर्दों में बाल ज़्यादा झड़ने से गंजेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज यह समस्या किसी निर्धारित आयु वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है। 15 से लेकर 40 वर्ष की आयु के मनुष्य इस समस्या से प्रभावित होते हैं। जैसे ही आप नहाकर बाहर निकलते हैं आपके बाल बिल्कुल गीले होते हैं। जैसे ही आप बाल पोंछने के लिए तौलिया का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या है। बाल झड़ने से रोकने के उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। बाल झड़ने से रोकने के पहला उपाय है, अपने बालों के साथ नरमी से पेश आएं। गीले बालों में कंघी करने से परहेज करें। बाल झड़ने से रोकने का दूसरा उपाय, रोजाना अपने सिर की अच्छे से मालिश करें। इससे आपके बालों को पोषण मिलेगा और सिर में रक्त संचार बढ़ेगा। ऐसा करने से स्वस्थ बाल भी उगेंगे। बाल झड़ने से रोकने का तीसरा उपाय, बालों को पीछे खींचकर कंघी करने की विधि का उपयोग करने से परहेज करें। इससे बालों की जड़ में दबाव पड़ता है और वे टूट जाते हैं। बाल झड़ने से रोकने का चौथा उपाय, आजकल लोग सुंदर दिखने के लिए बालों की नई नई स्टाइल का प्रयोग करते हैं, पर जैसे ही आप घर पर वापस आएं, बालों की देखभाल करें और उन्हें अच्छे से साफ करके उन पर तेल लगाएं। बालों को ज़्यादा गर्मी देने से परहेज करें। बाल झड़ने से रोकने का पाँचवा उपाय, अगर बाहर मौसम काफ़ी ठंडा भी हो फिर भी अपने बालों को गर्म पानी से ना धोएं। यह बालों के झड़ने का एक और कारण है। पानी की गर्मी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इससे वो आसानी से टूटते और झड़ते हैं। बाल झड़ने से रोकने के छठवां उपाय, नारियल का दूध। नारियल का प्राकृतिक शुद्ध दूध बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह एक काफ़ी कारगर उत्पाद है जो बालों की कोशिकाओं को पोषण देता है। नारियल को घिसकर उसका रस निकालें। रस निकालने के लिए इसे अच्छे से निचोड़ें। बालों को झड़ने से रोकने के लिए इसे अच्छे से अपने सिर पर लगाएं। बाल झड़ने से रोकने के लिए सातवां उपाय, आंवला। आंवला का इस्तेमाल सदियों से महिलाओं द्वारा बेजान और कमज़ोर बालों को अच्छा करने के लिए किया जाता है। कुछ सूखे आंवले लें और उन्हें नारियल के तेल में उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक इसका रंग गहरा काला ना हो जाए। इस तेल को अपने बालों में जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं। यह बालों को झड़ने से रोकने की काफ़ी कारगर पद्धति है। बाल झड़ने से रोकने के आठवां उपाय, प्याज का रस। प्याज यानी कि सल्फर का अभी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है, जो बालों में कोलेजन की मात्रा बढ़ाकर उनकी बढ़त में सहायता करते हैं। इसके रस को सिर पर लगाने से बालों के झड़ने से राहत मिलती है। बाल झड़ने से रोकने का नवा उपाय, लहसुन से बालों को झड़ने से रोकने के उपाय। प्याज की ही तरह लहसुन में भी सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि प्राकृतिक रूप से बालों की बढ़त में सहायता करने वाली तमाम पारंपरिक औषधियों में लहसुन की मात्रा होती है। इस विधि के अंतर्गत लहसुन के कुछ फावों को पीस लें, इसमें नारियल का तेल मिलाएं तथा इस मिश्रण को कुछ मिनट तक उबालें। अब इसे ठंडा होने दें तथा ऐसा होने के बाद इस मिश्रण से सिर की मालिश करें। बाल झड़ने से रोकने का दसवां उपाय, अच्छे और मजबूत बालों के लिए हॉट ऑयल मसाज एक बेहतरीन तरीका है। यह सिर्फ बाल ही नहीं सुलझाता बल्कि स्कैल्प के रक्त संचार को भी दुरुस्त करता है, जिससे बालों में मजबूती आती है, साथ ही सिर की मालिश जो सुकून देती है। तो दोस्तों, मेरी ये सारी टिप्स थी, इनको अपनाइए और अपने बालों को अच्छे से उनकी केयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए किसी भी समस्या के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you again. Bye-bye.